Our next topic is acceleration. Now let us start about acceleration. You know average speed और average velocity के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, और acceleration topic करने के बाद हम इसके graph study करेंगे, और graph को लेकर competition point of view से और CBSE point of view से काफी questions आपके बनते हैं, तो आपको हर एक चीज ध्यान से समझनी है. और जैसे ही मैंने आपको पहले dimensions, unit इनके बारे में बताया था, तो acceleration topic को काफी explain करने की कोशिश भी की थी. तो this is the second time for you, second opportunity for you to learn this topic, okay? And very very nice topic is acceleration. Acceleration क्या होता है? Common sense. Common sense में सबसे पहले आप लगाएंगे acceleration, जो आपके mind में practical meaning क्या बनेगा इसका? Increasing or decreasing speed. Increasing or decreasing speed. इसको लेकर आप अपने माइंड में बिठा लीजिए, जब कोई ऑब्जेक्ट स्पीड को बढ़ा रहा हो या फिर घटा रहा हो, मतलब इंक्रीज हो रहा हो, रेज हो रहा हो या फिर रिड्यूस हो रही हो उसकी स्पीड, उस केस में आप कहोगे कि हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू है. और अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है तो आप इसको लिखोगे एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो. मैथमेटिकली आप इस चीज को ऐसे लिख लोगे. ओके, सेकेंड, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्पीड में तो ठीक है, अगर आपकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट हुई, तो मतलब बॉडी एक ही स्पीड से चल रही है, तो इस केस में दो केस बनाएंगे इस पॉइंट को लेकर. अगर हमारे पास कांस्टेंट है तो क्या स्पीड, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो यहां पर आपका एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है और एक्सेलरेशन नॉन जीरो भी हो सकता है. कब? जब कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रही हो, बट डायरेक्शन क्या हो उसकी, यस डायरेक्शन वो चेंज कर रहा हो. क्या कर रहा हो? डायरेक्शन चेंज कर रहा हो. डायरेक्शन चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली. इसके अंदर आप क्या ले सकते हो एग्जांपल, सपोज एक सर्कल है, उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, कॉन्स्टेंट स्पीड से, स्पीड इसकी ले लो 10 मीटर पर सेकेंड से ये मूव कर रहा है इसके अंदर ऐसे सेम स्पीड से, बट क्योंकि वो हर एक पॉइंट पर अपनी डायरेक्शन को क्या करता जा रहा है, चेंज करता जा रहा है. क्या करता जा रहा है? चेंज. यहां पर उसकी डायरेक्शन ये थी, यहां पर थोड़ा और मुड़ जाएगा, यहां पर थोड़ा और मुड़ जाएगा, इस तरह से वो 360 डिग्री एंगल पर हर टाइम में वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है. दैट्स वाई डायरेक्शन चेंज भी अगर होती है तो भी हम क्या कहेंगे उसको, उसके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू है. यानी कि टिक लगा दीजिए यहाँ पे, एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, यहाँ पर क्रॉस लगा दीजिए कि एक्सेलरेशन नहीं होगा. कई बच्चे नॉन जीरो में काफी दिक्कत महसूस करते हैं कि ये क्या मतलब है, इसका मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब है एक्सेलरेशन है. और यहाँ पर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो, कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहा हो लेकिन वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा हो. किसमें? पर्टिकुलर डायरेक्शन. अब बात आ जाती है पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या होती है, आपकी भाषा में बता देते हैं फिक्स डायरेक्शन में, और आपकी भाषा में बता देते हैं कॉन्स्टेंट डायरेक्शन में, और आपकी भाषा में बता देते हैं जिसकी डायरेक्शन चेंज ना हो, नॉट वेरिएबल. देखो ये सारे साइंटिफिक वर्ड है, नॉट वेरिएबल, फिक्स, कॉन्स्टेंट, पर्टिकुलर, ठीक है. तो ये सारे के सारों का मतलब क्या है कि इसमें जो आपकी डायरेक्शन है, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन है, वो चेंज नहीं होगी. इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो. तो देयर आर थ्री केसेस इन फ्रंट ऑफ यू. इंक्रीजिंग स्पीड के लिए एक्सेलरेशन होता है, डिक्रीजिंग स्पीड के लिए एक्सेलरेशन होता है, और कॉन्स्टेंट स्पीड बट डायरेक्शन चेंजेस के लिए भी एक्सेलरेशन की वैल्यू नॉन जीरो होती है. Any doubt, any problem in this? No, sir. Okay. Now, the formula for calculating acceleration is. क्या होता है इसका formula? Formula के ऊपर आएंगे आप. Acceleration का जो formula होता है, सबसे पहले A से denote किया जाता है इसको. और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है वी माइनस यू अपॉन टी, वी माइनस यू अपॉन टी, या फिर आप टी को टी टू माइनस टी वन भी लिख सकते हैं.
मर्जी तुम्हारी। और इस पूरी टर्म को आप डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी ऐसे भी लिख सकते, वी माइनस यू टी टू माइनस टी वन, या फिर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब बात आ जाती है इसका मतलब क्या है, यहां से इसकी डेफिनेशन भी बन जाएगी। ओके, आप इसको लिखते हो जिसके अपॉन में टाइम, टाइम के साथ कोई चीज अगर चेंज हो रही हो, देखो टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्पीड हो सकता है, डायरेक्शन को लेकर भी वो वेलोसिटी अपनी चेंज कर लेता है, तो आप यहां पर लिखोगे रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। देखो यहां पे चेंज इन वेलोसिटी बोल रहा है, और वेलोसिटी चेंज किस टाइप से हो सकती है, या तो स्पीड को बढ़ाकर, या स्पीड को कम करके, या फिर उसकी डायरेक्शन को बदल के, किसको बदल के, डायरेक्शन को चेंज करके, या फिर मतलब डायरेक्शन चेंज लिख लो। ये तीन केसेस यहां पर फिर दोबारा से आ जाते हैं। अब बात आ जाती है चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है। सपोज डायग्राम से देखते हैं इस चीज को, एक ऑब्जेक्ट है यहां पर इनिशियली ए पॉइंट पर है वो, और इनिशियली उसकी जो वेलोसिटी है वो है यू। टाइम क्या है यहां पर, जब आपने टाइम देखा सपोज टी वन टाइम था, कुछ देर के बाद यानी कि टी टू टाइम के बाद देखा कि उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यू नहीं है, कुछ और हो गई है, कम भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। और वो देखिए यहां पर मैंने ले ली इसकी वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी क्या ले ली v। तो यहां पर उसकी वेलोसिटी पहले ये थी बाद में ये हो गई है, टाइम पहले ये था बाद में ये हो गया है, तो आप चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालोगे, चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे आप जो फाइनल माइनस इनिशियल करके, यानी कि v माइनस u करके अपॉन रेट। रेट का मतलब क्या है, जब वो रेट की बात करेगा अपॉन में टाइम आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी की बात करेगा तो फाइनल माइनस इनिशियल आ जाएगा। तो यही तो है फॉर्मूले में, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल क्या होगा, पहले टाइम टी वन था बाद में टी टू, तो आपने क्या करा टी टू माइनस टी वन ले लिया। ओके, अब इस सारे को लिखने का तरीका मैंने आपको एक और बता दिया, डेल्टा वी माइनस डेल्टा टी। इसका मतलब है कि ये जो वी है वेलोसिटी, ये बाद वाली वेलोसिटी में से पहले वाली वेलोसिटी को माइनस करके उसका गैप है, उसका डिफरेंस है, दिस इज आल्सो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइम। ओके, तो यहां से आप इसके अब यूनिट निकाल लेंगे, यूनिट एक्सप्रेस करेंगे, यूनिट कैसे, वेलोसिटी अपॉन टाइम। जनरल फार्मूला क्या आ गया इसका, वेलोसिटी अपॉन टाइम, बट यू नो वेरी वेल दिस इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग स्पीड, डिक्रीजिंग स्पीड, या फिर चेंज इन डायरेक्शन, ये तीनों चीजों में से कुछ भी आ जाए तो आपका एक्सेलरेशन होगा इस केस में। बट उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, बाय दिस फार्मूला, दिस इज नॉट द प्रॉपर फार्मूला, दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली। ओके, तो अगर आपको ये फार्मूला सही तरह से जज करना है तो इस फार्मूले का मतलब ये है। ओके, ये है इस फार्मूले का मतलब, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम इंटरवल। लेकिन अब आपको जनरल फार्मूला अगर पूछा जाए तो आप v अपॉन t लिख सकते हो, वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख सकते हो। नाउ दिस इज द टाइम टू एक्सप्रेस द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, नाउ एक्सप्रेस द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, वी नो दैट एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी के यूनिट लगा दीजिए मीटर पर सेकेंड, टाइम के यूनिट लगा दीजिए ओनली सेकेंड। नाउ सॉल्व इट, मीटर अपॉन सेकेंड इनटू सेकेंड, फ्रॉम देयर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड यू कैन आल्सो राइट दिस यूनिट इन दिस वे और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, दीज आर द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इन एमकेएस सिस्टम, ऐसा यूनिट भी बोल सकते हो आप इसकी। ओके, सीजीएस सिस्टम में क्या होगी इसके यूनिट, सीजीएस सिस्टम में बता सकता है कोई, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर,
वेरी गुड, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और दूसरी बात, ये तो चलो एमकेएस और सीजीएस सिस्टम था, अगर कोई और भी आपसे मान लो ऐसे दे दिया जाए किलोमीटर पर आर स्क्वायर, किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर किलोमीटर की जगह पर सेंटीमीटर पर आर स्क्वायर, ये कुछ भी दे दिया जाए, तो आपने क्या जज करना है कि ऊपर आपका क्या है मीटर यानी कि लेंथ है और नीचे टाइम का स्क्वायर है। अगर इस तरह से आपको यूनिट दिखती है तो ये सारी की सारी किसको शो करती है, एक्सेलरेशन को। ओके, ये सब एक्सेलरेशन को शो करेगा। तो ये था आपके पास एक्सेलरेशन का टॉपिक, जिसके अंदर आपने क्या देखा, वेलोसिटी अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन, और ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। इसके साथ ही हम एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो कहां पर होती है इसको प्रूफ कर लेते हैं। वैसे तो प्रूफ मैंने पहले बता रखा है, दोबारा जरूरत है? चलो एक दो केस बता देता हूं। एक्सेलरेशन जीरो होता है, प्रूफ करना आपने, एक्सेलरेशन जीरो होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कॉन्स्टेंट विलोसिटी। कंसेप्चुअल क्वेश्चन बना दिया आपके लिए, ये प्रूफ करना आपने, प्रूफ व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव विद कॉन्स्टेंट विलोसिटी। सबसे पहली बात, आपके माइंड में जब तक पिक्चर नहीं बनेगी, ठीक है, तब तक आप इनका कोई भी मैथमेटिक्स या आंसर नहीं दे सकते। तो यहां पर आपका सबसे पहले मतलब बनता है पिक्चर से। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कॉन्स्टेंट विलोसिटी, कॉन्स्टेंट विलोसिटी का मतलब क्या है, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेम स्पीड के साथ चल रहा है। सपोज एक पॉइंट ए है, यहां पर उसकी विलोसिटी यू है इनिशियल, और बाद में उसकी विलोसिटी क्या हो गई, वी। लेकिन विलोसिटी कॉन्स्टेंट बोला गया है तो वी और यू इक्वल होंगे, वी और यू इक्वल होंगे ए पॉइंट पर भी और बी पॉइंट पे, बट टाइम इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, वो तो चेंज होगा, कोई बात नहीं, हो गया। इस केस में वो कह रहा है कि एक्सेलरेशन बताइए जीरो, प्रूफ करना है, चलो कोई बात नहीं। वी नो दैट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एक्सेलरेशन, वी माइनस यू अपॉन टी टू माइनस टी वन। ओके, वी माइनस यू, वी और यू, ये देखिए वी माइनस यू का मतलब क्या है, फाइनल विलोसिटी माइनस इनिशियल विलोसिटी, यानी कि डिफरेंस ऑफ टू विलोसिटीज, फाइनल माइनस इनिशियल। बट यू नो कॉन्स्टेंट विलोसिटी का मतलब क्या है, जो आपकी पहले विलोसिटी थी वही बाद में होनी है, तो उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, ऑब्वियस बात है, आपके पास पहले भी 10 रुपए थे और बाद में भी 10 रुपए है, तो क्या डिफरेंस रहा आपके पैसों में, कोई डिफरेंस नहीं रहा, आप ऐसे बोल देते हो। लेकिन मैथमेटिकली क्या करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, 10 माइनस 10 जीरो। तो यहां पर भी v माइनस u, या तो v की जगह पर u को रख लो या u की जगह पर v को रख लो, मर्जी आपकी है। तो मैं रख रहा हूं यहां पर u की जगह पर v को, बिकॉज स्टेटमेंट में v इज इक्वल टू u, ये गिवन है हमें, क्या है गिवन। तो यहां पर मैंने नीचे लगा दिया t2 माइनस t1 की जरूरत तो तब पड़ेगी ना जब ऊपर जीरो के अलावा कुछ होगा, तो अभी मैं ऐसे ही करके लिख देता हूं इसको, तो देयर इज नो नीड ऑफ t2 माइनस t1, बिकॉज इन न्यूमिरेटर द डिफरेंस ऑफ टू वेलोसिटीज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू जीरो। नाउ फ्रॉम देयर यू हैव द जीरो एक्सेलरेशन इन दिस केस। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? यस सर। एक बच्चे ने पूछा था या बताया था कि रेस्ट के ऊपर भी एक्सेलरेशन जीरो होता है, जब इंक्रीजिंग स्पीड डिक्रीजिंग स्पीड और चेंज डायरेक्शन की बात आएगी, तो वो रेस्ट में देखा जाए तो ना तो स्पीड बढ़ रही होती है ना घट रही होती है, और ना ही वो डायरेक्शन को चेंज कर रहा होता है रेस्ट में। तो कहने का मतलब है कि तीनों चीजें वहां पर भी मिलती है एट रेस्ट पे, लेकिन वो कह रहा है कि प्रूफ करके बताइए मेरे,
प्रूव एक्सलरेशन जीरो एट रेस्ट, ठीक है, प्रूव दैट एक्सलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो व्हेन एन ऑब्जेक्ट एट स्टेशनरी पोजीशन या नॉट मूविंग या फिर एट रेस्ट, कुछ भी लिख सकते हैं। बन गया पूरा क्वेश्चन, बन गई डेढ़ दो लाइन। तो आप इसमें कैसे करेंगे, इसमें फिर दोबारा से डायग्राम बनाइए। ये पॉइंट ए है, ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी यू ले ली, टाइम ले लिया टी, ओके, बट यहां पर जो यू की वैल्यू है वो क्या है, जीरो, यहां पर क्या है जीरो। उसके बाद कुछ देर के बाद आपने टी टू टाइम के बाद क्या देखा कि जो ऑब्जेक्ट है वो वहां पर ही खड़ा, तो टी टू टाइम के बाद आपने उसकी वेलोसिटी को अज्यूम कर लिया वी, बट वी इज ऑल्सो अगेन जीरो मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड लगा लो ताकि यूनिट का आपको ध्यान रहे कि वेलोसिटी के यूनिट ये होते और एक्सलरेशन के ये होते। तो एक ही पॉइंट के ऊपर कहानी घूम गई है, ए पॉइंट पर था, ए पॉइंट पर ही है, ठीक है, और ए पॉइंट पर ही रहेगा। टी वन में यू जीरो, टी टू में वी जीरो। तो फार्मूला लगाइए, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी टू माइनस टी वन। अगेन द वैल्यू ऑफ वी इज जीरो हेयर, यू इज जीरो हेयर, टी टू माइनस टी वन एंड जीरो अपॉन डेल्टा टी। वी कैन राइट टी टू माइनस टी वन डेल्टा टी, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको। तो जीरो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द अगेन वैल्यू ऑफ एक्सलरेशन। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, कम फॉरवर्ड फास्ट। Any doubt, any problem in this? No, sir. Okay. Now the next topic is graphs. Graph से पहले मैं instantaneous velocity के बारे में आपको बता देता हूं, क्योंकि graph आपने ninth class में भी पढ़े हुए हैं तो ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा आपको डीपली पहले ही पढ़ा दिया था उसको। तो क्यों ना हम एक एक चीज को अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं। देखो, एवरेज स्पीड पढ़ा आपने, एवरेज वेलोसिटी पढ़ा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, उसमें कुछ मुश्किल या फिर टिपिकल आपने एग्जांपल भी देखे, न्यूमेरिकल भी देखे। तो अब बात आ जाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और आपके पास प्रॉपर नोट्स पहुंच रही है बेटा। हो सकता है उसके अंदर एक दो चीजें मैंने ना करवाई हो आपको ऑन द बोर्ड इन जूम क्लास कह सकते हो आप, लेकिन छोटे छोटे आर्टिकल है वो, और नाइन्थ क्लास में आपने वो स्टडी करे हुए, तो मैंने इस बार इसलिए वो आपके पास भेज दिया क्योंकि पूरे पेज में बीच में थे, ताकि आप एक बार गो थ्रू होते रहो और देखते रहो। फिर भी कोई चीज ना समझ में आए तो आप मेरे पास मैसेज कर सकते हो, ठीक है, ताकि मैं उसके ऊपर और ज्यादा फोकस करके आपको वो समझा सकूं। दो चार चीजें होती है जो हमें खुद करनी होती है, तो उसमें वो भी है, फिर भी अगर आपको पूछना होता पूछ सकते हो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, यूज करते हो आप इस वर्ड को। एट एनी इंस्टेंट क्या मतलब है, 24 घंटे है पूरे दिन में, किसी भी समय कोई भी आके देख लेता है कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे। वो आ गया आपके घर में, आप देखिए आप तो टीवी देख रहे हो, उसे का कोई बात नहीं, डेढ़ दो घंटे बाद फिर आ गया वो आपके घर में, फिर आप कुछ और काम कर रहे थे। कहने का मतलब है वो तीन चार बार आया इंस्टेंटेनियसली आपके घर में और आपको देखता है कि आप तो पढ़ाई तो कर नहीं रहे, बाकी सारे काम कर रहे, तो वो आपकी रिपोर्ट बना देता है कि ये तो पढ़ नहीं रहा। ऐसी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक बस चल रही है दिल्ली से चंडीगढ़, मैंने उसको बीच में तीन बार चेक करा कि उसकी स्पीड है कितनी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हो सकता है वो मेरे को कहीं पे रुकी हुई मिले, हो सकता है उसकी स्पीड बहुत कम मिले, हो सकता है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा मिले। तो मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का यूज वहां पर करता हूं जहां पर मेरे को स्मूथली कोई काम सिंपल तरीके से चलना चाहिए मेरा, ना उसमें स्पीड कम हो ना ज्यादा हो, वहां पे बड़ा मैं यूज कर सकता हूँ इस चीज का। सपोज मैंने तीन घंटे का टाइम दे दिया आपको, तीन घंटे आपने पढ़ना है, उन तीन घंटे में मैंने आपको बीच में कहीं भी चेक करा तो आप मेरे को पढ़ते हुए मिले। ऐसी बस चल रही है तीन घंटे, एक स्पीड से ही चलनी चाहिए, वो बीच में चेक करा गए, उन्होंने स्पीड देखा उसका, स्पीड उसको उनको बार बार एक जैसी मिल रही है, तो वहां से वो पता लगा सकते कि ये बस कितनी स्पीड लिमिट से चल रही है। ओके, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या है, ये भी वेलोसिटी होती है,
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन इसके अंदर देखो मैंने क्या लगा दिया, वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। इसके अंदर सिर्फ आपको ये चीज समझनी है, ds अपॉन dt, ds अपॉन dt इसी का पार्ट है। अब बात आ जाती है ये क्या होता है ऐसा, देखो आप यहां से चले यहां तक चले, इतना सारा गैप आपने कवर करा, वेलोसिटी को चेंज किया और इस चेंज इन वेलोसिटी को आप लिखते हो डेल्टा v, टाइम चेंज करा, इस टाइम को बोलते हो डेल्टा t, ओके। इतनी सारी लेंथ में इतने सारे काम हो गए, u से v बन गया, t1 से t2 बन गया, इसको आपने डेल्टा v लिख दिया, इसको डेल्टा t लिख दिया। तो ds और dt कहां है इस डायग्राम में, ds और dt वो यहां से यहां तक जब आप जा रहे थे कहीं से भी छोटा सा पार्ट ले लीजिए, यहां पर टाइम आपका t1 डैश, यहां पर आपका t2 डैश, यहां पर जो पोजीशन है आपकी s1, यहां पर s2, तो यहां पर आपका ये ds बनेगा और ये dt, मतलब इसी का छोटा सा पार्ट, टोटल डिस्टेंस है ये s। अगर मैं ab की बात करूं तो s, तो यहां पर ये ds क्या है, इस s का छोटा सा पार्ट। उसके बाद t2 माइनस t1 को डेल्टा t लिखते हैं, t1 डैश t2 डैश, अगर मैं इसकी बात करूं डेल्टा t क्या है, dt क्या है, सॉरी dt इज, बोलिए बेटा, जैसे आपने s लिया है, s का छोटा सा पार्ट ds, तो dt किसका पार्ट होगा, बताइए स्टूडेंट, t1 डैश एंड t2 डैश इन दोनों को माइनस कर दिया तो dt आ गया, बट dt इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ विच, किसका, जैसे ds इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ s, a से b का छोटा सा पार्ट ds, तो dt क्या होगा, किसका छोटा सा पार्ट है, कैसे निकालना होता है, ऐसे निकल जाए t का, दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ t। दूसरी बात, अगर ये dt dt मैं छोटे छोटे ले लूं ऐसे सारे के सारे, dt प्लस dt प्लस dt प्लस dt a से b तक ले लूं, कैन यू टेल मी आंसर क्या आएगा, किसके इक्वल होगा ये, बताइए, बताइए बेटा, अगर ये छोटे छोटे dt बनाकर मैं प्लस कर दूं यहां से यहां तक तो कितना आ जाएगा, हरी अप स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग, बताइए, अगर इन सब dt को प्लस कर दिया जाए, छोटे छोटे dt जितने भी बनाए आपने, इसी तरह से ds ds बना रहा हूं मैं, ये सारे के सारे ds बन गए, छोटे छोटे पार्ट ले गए, अगर आप इनको प्लस कर दो तो क्या आएगा, चलो मैं बता देता हूं, t आएगा। अब इसका आंसर बताइए, s, s, वेरी गुड। तो कहने का मतलब है अगर आप इसको देखो, अब मैं आपके मैथमेटिकल टूल्स पे आ रहा हूं, अगर आपके पास लिखा आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ dt तो आपका आंसर होगा t, और अगर आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ ds तो आपका आंसर होगा s। इंटीग्रेशन समेशन वर्ड से निकला है, जिसमें dt जितने भी हो आपके उसके सिस्टम के अंदर जहां पर आप काम कर रहे हो उन सब का टोटल कर दीजिए, a टू b लिख लो यहाँ पे, a टू b, a टू b, a टू b लिखते ही dt को आपने प्लस कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, तो t आ जाएगा। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम इन दिस, नो सर, ओके। तो आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अंदर इंटीग्रेशन को सीख लिया, पहले आपने किसको सीख लिया, इंटीग्रेशन को। अब बात आ जाती है डिफरेंशिएशन को, सपोज आपके पास देखो पहले आप पे ds था, इसका इंटीग्रेशन करा s हो गया, लेकिन s है, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन कर देते हो, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा ds, क्या बन जाएगा ds।
यानी कि एस से डीएस बनाना डिफरेंशिएशन और डीएस से एस को बनाना इंटीग्रेशन होता है। दिस इज इंटीग्रेशन, मतलब ये कोई मैथमेटिकल सही नहीं है जो मैंने लिखा हुआ है, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। और अगर आपने टोटल में से छोटा सा पार्ट बना दिया तो इसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अब बात आ जाती है कि इनको हम करेंगे कैसे। एक जनरल फार्मूला लिखता हूं मैं, वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर एन, बड़ा यूज होने वाला है इसका, इसके लिए तो समझना इस चीज को। वाई क्या है? कोई कंप्लीट चीज है, टाइम भी हो सकता है, डिस्टेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो वाई का लो टी से ले लेते हैं, वाई डिस्टेंस ले लिया, इसको एक्स ले लो, एक्स से आपको ज्यादा समझ में आता है। एक्स डिस्टेंस हो गया, ये टाइम हो गया, टाइम की पावर एन है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। कैसे करूंगा वो देख लीजिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, याद रखना टाइम, ये नई चीज है आपके लिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसका, ऑफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे लिखा जाएगा इसको। डिफरेंशिएशन करते ही आपने पूरा जो एक्स था, क्या पता कितना था, उसका छोटा सा पार्ट बना दिया डीएक्स। डीएक्स लेते ही इसका तो हो गया डिफरेंशिएशन, अब टी का भी करना है, क्या करना है टी का, तो इसके नीचे ही आप लिख दो इसको फिलहाल डीटी है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, लेकिन फिर भी यहां पे लिख दिया। इसको सॉल्व करते जो भी पावर होती है कोफिशिएंट में आ जाएगी और उस पावर में से वन कम हो जाएगा। दोबारा से, जो पावर होती है वो कोफिशिएंट में आ जाएगी और उस पावर में से एक कम कर देना। दूसरी बात, वो टर्म टी ही होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टी, अगर टाइम नहीं है यहां पर, कोई और होता तो आपको जीरो लिखना। ओके, सपोज यहां पे मैं लिख दूं जेड, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, ये लिख दिया, बट यहां पे तो टी वाली टर्म है ही नहीं, तो आपका आंसर आ जाएगा जीरो। बट अगर यहां पर टी है तो सबसे पहले देखो कि एक्स और टी दोनों है भी या नहीं, एक लेफ्ट साइड में ले लो एक राइट साइड में, तो जिसका करना है डिफरेंशिएशन उसको डीएक्स लिख दीजिए, जिसका यहां पर होना है उसको अपॉन में लिख दीजिए, पावर नीचे आ जाएगी और उसमें से कम हो जाएगा। अब मैथमेटिकली इसको आप ऐसे ले लीजिए, एक्स टी रेज टू द पावर फोर, तो बताइए इसका डिफरेंशिएशन कैसे लिखेंगे, बताइए डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। हरी अब थ्री टी पावर फोर टी पावर थ्री, पूरा बताइए ना, डीएक्स इज इक्वल टू डीएक्स बाय डीटी, डीटी इज इक्वल टू थ्री टी क्यूब, दिस इज द डिफरेंशिएशन। ओके बेटा, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है। चलो एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, देखो एक बार कर दिया आपने, एक बार और कर देते हैं। अब आप इसको बोलोगे डी स्केयर एक्स, लेकिन इसको नीचे वाले को बोलोगे डी टी स्केयर, डी स्केयर एक्स अपॉन डी टी स्केयर, इस चीज को ध्यान रखना, ये डबल हो गया इसका। अब क्या करोगे, फोर तो पहले से ही था नीचे, थ्री और आ जाएगा नीचे और इसकी पावर कम हो जाए। वेरी गुड, 12 टी स्क्वायर, तो दिस इज द डबल डिफरेंशिएशन। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर आप इसको डिस्टेंस लेते हो, क्या लेते हो डिस्टेंस, और ये क्या है टाइम, तो डिस्टेंस का अगर आपने एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया तो ये बन गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, और दिस इज वेलोसिटी, क्या होगी ये वेलोसिटी। और अगर आपने इसको दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दिया तो अब आपने dx अपॉन dt का डिफरेंशिएशन किया है, इसका मतलब v का डिफरेंशिएशन करा है। कैन यू टेल मी यहां पर आंसर क्या होगा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, वेरी गुड, यहां पे आपने वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, देखो डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन करा वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दिया एक्सेलरेशन। तो इसके जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो इसी टाइप से बन रहे हैं। ओके, तो इस मैं आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो आपको बता दिया गया है, अब बताया जाएगा आपको ग्राफ्स के बारे में, किसके बारे में, ग्राफ के बारे में, फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, ग्राफ के भी क्वेश्चन करेंगे और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के भी करेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल कर दिया है आपके पास, असाइनमेंट पहुंच जाएंगे जिससे होते हैं, ठीक है, नहीं तो बोर्ड पे दो चार हम समझा दें।
तो यहां पर ग्राफ की बात आ रही है, ग्राफ्स दो टाइप के ग्राफ्स आपने पढ़ने हैं, एसटी और वीटी। इसको बोलेंगे डिस्टेंस टाइम या पोजीशन टाइम बोल सकते हो। देखो जिसने नाइन्थ क्लास में अच्छे तरीके से ये चीजें नहीं करी थी, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो फुल इसके ऊपर अपना कॉन्सेंट्रेट करेंगे और पढ़ेंगे, क्योंकि ये चीज प्लस वन जो है प्लस टू का बहुत अच्छा बेस मानी जाती है। दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या होगा ये? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इन ग्राफ को पढ़ने से पहले मेरे को लगता है सात आठ जो मिनट है हमारे पास उसके अंदर हम स्लोप लेना सीख लेते हैं। पहले ग्राफ स्टडी करी दी है तो स्लोप ले लेते हैं। स्लोप क्या होता है ये देखिए, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। पता है आपको एक्स एक्सिस पर आप हमेशा टाइम को लेते हैं, ज्यादातर टाइम को लेते हैं, वैसे जरूरी नहीं है टाइम को ही ले, टाइम टी को लेते हैं। टाइम कौन सी क्वांटिटी होती है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। मतलब कोई काम करे या ना करे, ऑब्जेक्ट चले या ना चले, टाइम तो चलेगा। और वाई क्या है? डिस्टेंस भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकती है, एक्सेलरेशन भी हो सकता है, कुछ भी ले सकते हो वाई एक्सिस पे। और यहां पर आप ज्यादातर लेते हो डिपेंडेंट क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? डिपेंडेंट क्वांटिटी। अब बात आ जाती है कि वाई एक्स अगर आप इसका स्लोप निकालोगे, शॉर्ट में बता रहा हूं, स्लोप निकालोगे, स्लोप का मतलब ढलान होता है, इंक्लाइंड से होता है, ठीक है। ऐसे तिरछी लाइन ले लीजिए, ये देखिए यहां से मैंने एक तिरछी लाइन ये ले ली और एक ये ले ली, ओ डैश ए और ओ ए। अगर देखा जाए ये एक दीवार थी, यहां पर आपने ये सीढ़ी लगा दी, स्टेयर्स लगा दी है, एक इस तरह से लगा दी और एक इस तरह से, दोनों में से स्लोप किसका ज्यादा होगा, ढलान किस में ज्यादा होगा बताइए? ओ ए या ओ डैश ए? वेरी गुड। तो स्लोप इसका ज्यादा होगा और इसका स्लोप कम होगा। इसी चीज को आप एंगल से देखोगे, यहां पर देखिए ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा वन, और ये एंगल कितना बना रहा है जमीन के साथ, थीटा टू। आप देख सकते हो थीटा वन इज लेस देन थीटा टू। जिसका थीटा टू यानी कि एंगल ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा। ये चीज आपने देखो यहां से देखिए। बात आ जाती है कि ये ग्राफ है वाई एक्स, अगर आप मैं इसमें कहूं कि स्लोप निकालिए वाई एक्स ग्राफ, तो y x ग्राफ का जो स्लोप होगा वो होगा y अपॉन x। क्या होगा? y अपॉन x। और इसको निकाला जाता है टेंजेंट थीटा से, इसे निकाला जाता है टेंजेंट थीटा से। सेकंड थिंग, अगर y एक्सिस पर आप यहां पर डिस्टेंस ले लो और यहां पर टाइम ले लो, तो बताइए स्लोप ऑफ y x यानी कि डिस्टेंस टाइम क्या होगा, बताइए आंसर। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम का मतलब क्या होगा? टेंजेंट थीटा यानी कि वाई अपॉन एक्स यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। बताइए क्या आंसर होगा? स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसके इक्वल होगा? इस तरह से मैंने सारा सोल्व करके देखा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब टेंजेंट थीटा निकालना, वाई अपॉन एक्स, दिस अपॉन दिस कर दिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दिया, एंड यू नो वेरी वेल डिस्टेंस अपॉन टाइम किसके इक्वल होता है बेटा? बोलिए, स्पीड के, यानी कि वेलोसिटी या स्पीड। वेलोसिटी और स्पीड में आप कंफ्यूज मत होना, डिफरेंस आपको पता है, डायरेक्शन का स्केलर, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का। नाउ द टाइम ऑफ, इंस्टेड ऑफ डिस्टेंस अगर आप यहां पर स्पीड या वेलोसिटी ले ले तो दोनों में से कोई एक चीज अज्यूम कर लो, अब क्या होगा? फिर दोबारा से यहां पर डिस्टेंस अपॉन टाइम की जगह पर क्या लिखेंगे? वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी टाइम, वाई अपॉन एक्स, बट नाउ द रेशियो इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। नाउ द आंसर विल बी वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। वेरी गुड। तो ये कहने का मतलब है आप अगर स्लोप लेना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए वाई एक्सिस पर कौन सी क्वांटिटी है और एक्स एक्सिस पर कौन सी है। लेना ये और ये ही है, दिस अपॉन दिस ही लेना है। अगर ये उल्टा हो जाए,
अगर ये उल्टा हो जाए, कहने का मतलब है टाइम को मैंने ले लिया यहां पर और डिस्टेंस को ले लिया यहां पर, अब क्या बोलोगे? स्लोप ऑफ टी एस ग्राफ, टाइम डिस्टेंस ग्राफ बोलेंगे आप इसको। क्या बोलेंगे? टाइम डिस्टेंस ग्राफ। कैन यू टेल मी क्या होगा इसका आंसर? बोल दीजिए। टेंजेंट थीटा, मेरे हिसाब से तो वाई ये है और एक्स ये है, टी अपॉन एस ही लिखूंगा मैं तो इसको, और टी अपॉन एस क्या होता है? वन अपॉन वी। तो आप बोलोगे रेसिप्रोकल ऑफ वेलोसिटी। क्या बोलोगे? रेसिप्रोकल ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का उल्टा बोलेंगे आप इसको, वेलोसिटी नहीं बोलेंगे। यस और नो स्टूडेंट्स? यस और नो? यस सर। डिस्टेंस ऐसा आ जाए तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपने तो ऐसे ही लेना है स्लोप जैसे आपको सिखाया गया है। बाद में डिसाइड करेंगे ये टी अपॉन एस आ गया मेरा, तो एस अपॉन टी होता है वेलोसिटी, तो आपने क्या कर दिया इसको उल्टा लिख दिया। इसी तरह से अगर यहां पर वेलोसिटी आ जाए तो तब क्या होगा? इंस्टेड डिस्टेंस वेलोसिटी रेसिप्रोकल ऑफ एक्सेलरेशन। तो ये था स्लोप निकालने का तरीका जो कि इजी वे से मैंने आपको समझा दिया। बट जैसे ही हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल ग्राफ के करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के करेंगे। ओके? और जो आपके पास असाइनमेंट आ रहा है मैं उसमें नाइन्थ क्लास के कुछ वीडियो भेज रहा हूँ आपके पास, जिसमें मैंने ये चीजें नाइन्थ क्लास को भी करवाई है लेकिन इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं है, तो पहले आप वो वीडियो देखेंगे आज सारी की सारी, कोई 10 मिनट की है, कोई 15 मिनट की है, कोई 7 मिनट की है, दो तीन वीडियो भेजी है आपके लिए, तो आपने सबसे पहले वो देखना है। आफ्टर दैट जो ये आपको समझाया गया इसकी वीडियो देख सकते हो आप, नहीं तो कोई जरूरत भी नहीं है, ये तो आपने समझ ही लिया है। तो पहले आप वो वीडियो देखेंगे, ठीक है बेटा, वो आपका बेस होगा इसका। तो नेक्स्ट थिंग, किसी को कुछ पूछना है अभी तक जो पढ़ाया गया? यस, किसी को कुछ पूछना बेटा जो अभी तक पढ़ाया गया? Excuse me, sir. हाँ जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। Sir, I'm not getting any assignments. क्या? I'm not getting any assignments of physics. बेटा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, असाइनमेंट ऑफ फिजिक्स क्या? सर असाइनमेंट नहीं आ रही है हमारी व्हाट्सएप पे। नहीं आ रही है? नो सर। आज मैं आपको इस असाइनमेंट बेटा मैं भेज नहीं रहूंगा ना, बाकी मैं चेक कर लेता हूँ क्योंकि एक दो दिन पहले नहीं भेजा।